बोल के इंडिया गेट जैसा जगह ले आए सम। देखो भाई लोग, ब्लॉग व्लॉग करने का तो आजकल टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मुझे तो शर्म आती रहती है, बोटा मैं भी मुझे कोई देख रहा है तो मुझे शर्म आ रही है। तो हम यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे आज फिर से कर रही हूँ मैं 4 सेकंड। और अभी मैं भोपाल में हूँ, फिर मैं अहमदाबाद जाऊँगी, वापस दिल्ली जाऊँगी। तो यही आजकल दिनचर्या चल रही है। और थैंक यू सो मच गाइस, मैंने थैंक यू नहीं बोला आपको लोगों को, जो कसौल वाला लास्ट वीडियो था आप लोग सब ने उसको बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही हमारी प्यारी सी भोपाल की मूवी। वैसे मैं भोपाल दूसरी बार आई हूँ अपनी लाइफ में, एक बार रोड ट्रिप पे आई थी। भोपाल भी सुंदर है, देख रहे हो एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है, एक ये छोड़ के। जानवर घुसा है मेरे रूम में, अजीब सा मौसम है। और गाइस मैंने फाइनली नहा धो के एकदम साफ सुथरी हो गई हूं। तो मैं पार्थ को ना फर्स्ट सेक्टर से ही मैसेज करी थी, आज हम पार्टी करने जाएंगे। मेरे दिमाग में अचानक से आया कि आज हम पार्टी करने चलते हैं, तो मैं मैसेज कर जा रही थी अब तुम, मैं ये कपड़ा पहनूंगी तुम। ये बड़ा जानवर है ना, इसको कह रहे हैं कि बड़ी मक्खी घुस गई है घर में। तो लेकिन अब ऐसा हम दोनों को लग रहा है कि क्या कल जाना चाहिए, फील नहीं आ रही है, सिर्फ फ्लाइट में आ रही थी। क्या बनाना है तुमको यार, राजमा चावल बना हुआ है। भाई लोग एक बात आप लोगों को मैंने बताई नहीं ना, क्योंकि मैं इतने दिन से व्लॉग तो कर ही नहीं रही हूँ। मम्मी पापा घर पे नहीं है और हम दोनों 3-4 दिन से ऐसे ही सस्टेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। वैसे तो दिल से बताऊं तो मजा आया, 2-3 दिन बहुत मजा आया, बट अभी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। सुबह हो चुकी है गाइस, 10 या 11 बज रहे हैं और ये लड़का, मुझे लगा तुम सो रहे हो। चक्कर उठा, ये कोई तरीका और तो उठा देगा। Assume that this book is a compilation of articles. It's much beyond. मैंने इसको नया नया सिखाया कि स्किन केयर किया कर थोड़ा। मुझे थोड़ा पहले से पता है। हाँ तुम्हें पता ही, लेकिन ये स्किन केयर तो मैंने सिखाया है। बनाना है ब्रेकफास्ट, पर पास्ता खाओगे क्या? हाँ क्या, पास्ता बना लो और अंडे भी खाओगे। पास्ता बनाते हैं, पास्ता ही बना रहे। एक काम दिया था। कुछ ना कुछ करके बना ही लिया मैंने फाइनली। बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है गाइस, जो कल पार्टी नहीं कर पाए वो पार्टी आज हम दोनों भाई बहन करेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा पिटी लग रही हूँ, दो भी दिखने, थोड़ा हमको भी दिखाने दो हम कैसे लग रहे हैं। दिस इज लाइक मी, बहुत गंदी लग रही हूँ। निकल गए हैं भाई लोग बढ़िया गाड़ी में, हमको लग रहा है अभी तक पापा मम्मी से परमिशन लेके लिया नहीं गया है, वो चीज तो हम लोग भूल ही गए। तुम हॉट लग रहे हो ना, तुमको दिखा दिए काफी है। या मेरा बहुत दिन से मन था कि पकड़ो जरा कोई, ये बहुत दिनों से मन था कि कोई पार्टी करने जाऊं जिसमें मैं तैयार हूं और बहुत सारा मेकअप करूं। ऐसा भी मन होता है कि मतलब बहुत सारा मेकअप करूं। हाँ मतलब पार्टी करने का अंडरस्टैंड, कहीं जाऊं है अंडरस्टैंड, बहुत सारा मेकअप मेरा मन था यार। वक्त नहीं मिला आपको दिखाने के लिए मैं खुद कैसी लग रही हूँ, देखो जो अपने आप को दिखा रही थी। हम लोग अभी ऊपर डांस वांस करके आ गए, हम दोनों को इतनी शर्म आ रही थी फिर भी हमने बहुत डांस किया। बट जब अपन ऐसे बीच में गए ना, लाइक मेन फ्लोर पे डांस करने, इतनी भीड़ थी तो हो ही गया डांस वहाँ पे। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह कुछ खाने या घुसने डांस करने, वो मजा आ रहा है। सब फंड है एक्सेप्ट अस गाइस।
इज अ प्लस. वी डोंट ड्रिंक. वी डोंट ड्रिंक एट ऑल. एट ऑल. जहाँ गाड़ी ली मैंने इसने मिल के ये गाड़ी खरीदी है बीचों बीच. कहाँ के सुबह इसकी डिलीवरी है. हाँ साइबर. यार तुम क्या एक दिन बोल रही थी कि तुम्हारे लिए बाइक खरीदना होगा तो मैं जाऊंगी जाऊंगी शोरूम में उसको बोलूंगी एक बाइक पैक कर दो ये वाली ना. जहाँ पे क्राउड थोड़ा अच्छा हो. यार तुम पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. गुड़गांव वाले लोग पार्टी करने आते हैं दिल्ली. And for what reason you wanted to come to Gurgaon? Because I like the vibe of Gurgaon. क्या vibe थी यार? Club बोल के India Gate जैसा जगह ले आए समझ नहीं आ रहा है. तुमको अच्छे club लाए हो यार. हम लोग पता नहीं कौन सी सुनसान जगह आ गए हैं. भूत बंगले में पता नहीं पार्टी बोल के पता नहीं कहाँ ले आ रहे हैं. दरवाजा बंद है भाई. बंद है. चलो घर चलो. हम बता चलो ढोल मूवी देखते हैं. दोनों सो जाएंगे. ये आइडिया अच्छा. ढोल नहीं देखेंगे वो देखेंगे खट्टा मीठा. पूरी वाइब खरा दी वहाँ से. चलो वहाँ पार्टी करते हैं. वहाँ पार्टी करते हैं. सच में अच्छी नहीं थी. मुझे तो अच्छी लगी भाई. लोग नाच रहे हैं. मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और मैं डांस करती रहती हूँ. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. खाने के लिए सब जो जो दिख रहा है सब उठा लिए. सैंडविच समोसे सोच रहा हूँ. ठंडा समोसा नहीं खाना है. वो करेंगे ना गर्म करके देंगे. भाई हम लोग आधे घंटे के 15-20 मिनट से यहीं पे घूम रहे हैं और इसने यहाँ पे खाना भी स्टार्ट कर दिया. इसने हॉट डॉग ऑर्डर किया यहाँ पे. खिलाया नहीं अपने घर के कुत्ते के लिए. ऐसा नॉर्मल चिकन खिलाते हैं. पता नहीं ये खाएगा. आई थिंक खुश होके खाएगा. ये ज्यादा भी नहीं खिलाते हैं. पता है बात बताएं हम हॉट डॉग आज तक नहीं खाए हैं. कोई बात नहीं कि हम कभी खाएंगे भी नहीं. देखने में चीज है पता नहीं कहीं. गाइस वापस घर जा रहे हैं. शायद हमारी किस्मत में इतनी ही पार्टी थी. सो वी आर हैप्पीली भी बहुत हो चुका है ना अब तो. हैप्पीली गोइंग होम एंड इट वाज डे वेल स्पेंट गाइस. मजा आया. हम लोग तुम्हारे लिए पेडिग्री ला रहे थे. And I think guys, it's the time also that I reveal जो मैंने last का solve वाले video में बोला था कि there's going to be a surprise for you guys and it is something related to YouTube. तो तुम लोग का guess mostly का same और सही ही रहा है but exact मुझे नहीं मिल पा रहा है. So basically मैंने एक नया YouTube channel बनाया है and पता नहीं ऐसी feeling आती है ना वापस से नया channel बनाया YouTube पे. वो 3 साल की पूरी memories आती है. कैसा वो फेस था. नया नया चैनल बनाने का एक्साइटमेंट एंड एवरीथिंग. सो एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. मैंने नया चैनल बनाया है. सो यू गाइज हैव टू गो फाइंड दैट चैनल एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल. एंड तुम कौन से नंबर के सब्सक्राइबर हो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे ये जो मेरा इंस्टा आईडी है वहां पे मुझे डीएम करो सब्सक्राइब करके एंड मेरे इंस्टा को भी फॉलो करके. एंड देन वी हैव गॉट 4 लकी विनर्स. लाइक इट्स काइंड ऑफ गिव अवे. एंड मैं एज अ थैंकफुल जेस्टर में आप लोग को कुछ भेजना चाहती हूँ. सो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर गाइज. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.